सभी लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा। आज की इस वीडियो में एक भारतीय अभिनेत्री जो कि तमिल और मलयालम फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती हैं, उनका नाम निकिता गलरानी है। तो इनके आज जन्मदिन के शुभ अवसर पर मेनी मेनी रिटर्न्स आफ्टर डे फिल्मी राम के तरफ से बहुत बहुत बधाई हो आपको। आज वो पूरे 32 वर्ष के हो चुके हैं और इनका जन्म 3 जनवरी 1992 में हुआ था, जो आज के इस डेट में इनकी व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में 1983 बेली मूंग और डार्लिंग शामिल है। निकी गलरानी एक दक्षिण भारतीय अभिनेत्री और मॉडल है जो तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में दिखाई देती है। निकी गलरानी की एक बहन संजना भी एक अभिनेत्री है। उन्होंने अपना पीयूसी बिशप आर्टन गर्ल्स कॉलेज से किया और बाद में फैंसी डिजाइनिंग का कोर्स भी किया। उसने कहा कि अपने पीयूसी के विज्ञान किया क्योंकि उसके माता पिता और बहन चाहते थे कि वह एक डॉक्टर बने, लेकिन बाद में उसने फैंसी डिजाइनिंग करने की अनुमति दे दी। इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग की और कई विज्ञापनों में नजर आई जो कि काफी दमदार था। गलरानी ने अपने फिल्म करियर की शुरुआत मलयालम भाषा की फूड ड्रामा फिल्म 1983 से की, जो काफी उन्होंने तमिल फिल्म पायप्पा की कन्नड़ रिमेक अर्जित में मुख्य भूमिका में निभाने के लिए अपनी पहली फिल्म साइन की। निकिता गलरानी की उनके पिता का नाम मनोहर गलरानी डॉक्टर थे वो पेशे से, और उनकी माँ का नाम अनीता रेशमा गलरानी था। 3 जनवरी 1992 को जन्मी, आज वो 32 साल की हो चुकी हैं। आज उनका बर्थडे है। पुनः एक बार फिर से मेरी मेरी रिटर्न बर्थडे निकिता गलरानी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको खूब पसंद आएगी। यदि पसंद आएगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और ऐसी मूवी से रिलेटेड कंटेंट को देखने के बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।